The thing is, Haig and Haig Visby rule. So, what about Haig and Haig Visby rule? So, Haig rules came in 1924, and the claims which were on this was like 100 pounds sterling for per unit cargo. Per unit cargo means per packet. Like a container hai to pura container hi, ya koi ek pura packet bana ke rakha hua hai kisi, ya pallet hai to uska pura ek container jaise unit puri ho to 100 pounds sterling. Isme jo tha wo per kg ke liye kuch nahi tha. Per kg ke liye koi bhi regime, koi regulations nahi thi ki per kg cargo agar toot gaya या मैंने 3 ही किलो दे दिया है तो 3 किलो में से 3 पैकेट बना के दे दिए हैं मैंने, तो 3 पैकेट का क्या मतलब पर केजी का क्या होगा, या 1 पैकेट में 1000 किलो हैं जिसमें से 2 किलो सिर्फ ख़राब हो गया तो क्या होगा. ये वाला नहीं था, सिर्फ इसमें था कि पूरा तुम्हारा पैकेट है, पूरा तुम्हारा पैकेट डैमेज हो गया तो 100 pounds sterling मिलेंगे अनलेस एंड अनटिल somebody has mentioned in the BL कि ये कार्गो 100 pounds sterling से ज़्यादा महंगा है. तो उस महंगे के लिए क्या आया कि ये जो वॉल्यूम रिजीम है VOLLREM वॉलरेम, ये वॉलरेम आया कि अगर कार्गो 100 पाउंड स्टर्लिंग से ज़्यादा एक्सपेंसिव है और कार्गो ओनर चाहता है कि उसे क्लेम मिले इन केस अगर डैमेज हो जाए कार्गो तो उसे ज़्यादा क्लेम मिले, तो उसे BL में मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो है ये कार्गो 100 पाउंड से महंगा है और अगर डैमेज हो गया तो मुझे उतना क्लेम देना. तो उसके लिए क्या था कि उस जो शिप ओनर थे उससे और ज़्यादा फ्रेट भी मांग रहे थे कि पैसे और दो. तो इसलिए जनरली ये लोग करते भी थे, कभी कभी लोग नहीं भी करते थे. फिर हमारे पास हेग विस्बी रूल आया. हेग विस्बी रूल जो है वो 1979 में आया. ये आया क्योंकि जो अंडर हेग रूल्स जो था ना, जो ओनर था वो अपनी मनमानी भी कभी कभी करते थे. जैसे 2-3 कार्गो ओनर्स के कार्गो ले लिए उन्होंने और एक पूरे पैकेट में बना दिया, और जब डैमेज हुआ किसी एक का तो उन्होंने कहा कि या दोनों का डैमेज हुआ या तीनों का डैमेज हुआ, तो अगर किसी तीनों का डैमेज हो गया तो उनको 100 pounds sterling दे करके और हाथ झाड़ के चले जाते थे कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी हैव गिवन यू वॉट एवर वी हैव मेड इट. कि मतलब तीनों का कार्गो डैमेज हुआ मगर वो तो एक पैकेट में था तो एक ही पैकेट का मैं दे दूंगा. तो उसके वजह से हेग विस्बी रूल आया कि नहीं ये तो गलत हो रहा है. तो हेग विस्बी रूल ने क्या किया कि क्लेम्स को बढ़ा दिया, या क्लेम्स को इन्होंने बढ़ा दिया. इन्होंने क्या किया कि क्लेम्स के लिए इन्होंने बोला कि हेग विस्बी रूल में कि 10,000 gold francs, इसमें क्या था, इसमें क्लेम जो था दैट वाज 100 pounds sterling थे, और इसमें जो क्लेम बढ़ा करके कर दिया दैट इज 10,000 gold francs, 10,000 गोल्ड फ्रैंक्स पर यूनिट ऑफ कार्गो और 30 गोल्ड फ्रैंक्स पर केजी ऑफ कार्गो इन्होंने कर दिया. और एक गोल्ड फ्रैंक की जो वैल्यू थी वो थी 65 मिलीग्राम्स ऑफ द गोल्ड ऑफ मिनिमिसल फाइनेस 900, ये कोई फाइनेस है उसके अकॉर्डिंगली है. तो इन्होंने इसमें क्या किया कि बढ़ा दिया 10,000, 30,000 ये पर यूनिट कर दिया कि एक कंटेनर में या एक पूरी यूनिट है, और ये पर केजी में कर दिया इन्होंने और ये गोल्ड फ्रैंक्स में कर दिया. अब इसके बाद क्या, 1979 में जो हेग रूल्स जो आया था, ये आया था 1968 में आया था, एंड दिस वन केम इन 1979. तो इसमें इन्होंने बोल दिया कि क्योंकि गोल्ड फ्रैंक्स बहुत महंगे हो चुके थे तो वो 10,000 देने का मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता, तो इन्होंने क्या 666.67 SDR कर दिया कि पैरामाउंट क्लॉज में कि अगर आपका एक यूनिट कार्गो ख़राब होता है तो यू जस्ट पे 666.67 SDR और 2 SDR ऑफ पर केजी, कि 2 SDR तुम्हारा ख़राब हुआ तो पर केजी में. तो अब इन्होंने क्या बोला कि SDR क्या है, इट इज़ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स. स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है वो 4 देशों जो मोस्ट इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं उनके करेंसी से बना है, दैट इज USA का डॉलर, पाउंड, देन यूरो एंड जापानीज येन. तो यूरोपियन यूरो एंड ब्रिटिश पाउंड एंड अपना USA का डॉलर और जापानीज येन, इन 4 करेंसी का एवरेज लेकर के स्पेशल ड्राइंग राइट्स बनी हुई हैं.
तो ये वाला हो गया। अब नाउ पैरामाउंट क्लॉज कहता क्या था, या प्रोटोकॉल ऑफ 1979 जिसे क्लॉज पैरामाउंट भी कहते हैं, तो क्लॉज पैरामाउंट कहता क्या था। इट वॉज स्टेटिंग कि इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर यूनिफिकेशन ऑफ द सर्टन रूल्स ऑफ द लॉ रिलेटेड रिलेटिंग टू द बीएल साइन इन ब्राजील इन 1924 सॉरी हेग्स रूल्स एंड एज अमेंडेड बाई द विस्बी प्रोटोकॉल ऑफ 1969 हेग विस्बी एंड एज इंटैक्टेड इन द कंट्री ऑफ द शिपमेंट शैल मैंडेटरी अप्लाई टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। कि मतलब पैरामाउंट क्लॉज में हेग विस्बी रूल और हेग रूल्स दोनों कहा गया, और उसमें क्या बोला, इफ देयर इज नो इंट्रैक्टमेंट ऑफ हेग विस्बी रूल्स इन द कंट्री ऑफ शिपमेंट, अगर किसी भी कंट्री में हेग विस्बी रूल अप्लाई नहीं होगा, सॉरी हेग रूल नहीं अप्लाई होगा, या हेग विस्बी रूल लिखते हैं, इंट्रैक्टमेंट ऑफ हेग विस्बी रूल इन द कंट्री ऑफ द शिपमेंट, देन हेग विस्बी एज इंट्रैक्टेड इन द कंट्री ऑफ द इन द कंट्री ऑफ द डेस्टिनेशन शैल अप्लाई इवन इफ देयर आर रेगुलेटिंग आउट द बॉन्ड कार्गो। ठीक है, इसमें इफ देयर इज नो इंटैक्टमेंट ऑफ द हेग विस्बी रूल इन द कंट्री ऑफ द शिपमेंट एंड द डेस्टिनेशन देन हेग विस्बी रूल विल अप्लाई बाय द कंट्री। ठीक है, बाय द कॉन्ट्रैक्ट करके ये लोग कर रहे। अच्छा, तो ये जो है ये कह रहा था कि जिस भी कंट्री में अगर हेग रूल्स पैरामाउंट क्लॉज या हेग विस्बी रूल्स जो हैं अगर वो बिल ऑफ लेडिंग में लिख दिया कि एज पर पैरामाउंट क्लॉज, तो वहाँ पे हेग विस्बी रूल अप्लाई हो जाएगा। मान लेते हैं एक लोडिंग कंट्री है और एक डिस्चार्जिंग कंट्री है, तो जहाँ पे लोड कर रहे हैं कार्गो वहाँ पे भी कोई रूल नहीं है, और जहाँ डिस्चार्ज कर रहे हैं वहाँ पे भी कोई रूल नहीं है, और दोनों जगह जो है वो कोई रूल नहीं है और बिल ऑफ लेडिंग में हेग विस्बी लिख सॉरी पैरामाउंट क्लॉज पैरामाउंट लिखा हुआ है, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो है हेग रूल्स हेग रूल्स नहीं हेग विस्बी रूल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। दोनों कंट्रीज में कोई रूल्स नहीं है, और बिल में बिल ऑफ लेडिंग में जो है इट इज रिटन कि पैरामाउंट क्लॉज पैरामाउंट विल इज एप्लीकेबल, तो दोनों में हेग विज भी। अगर लोड पोर्ट और डिस्चार्ज पोर्ट, लोड पोर्ट में कोई रूल नहीं, डिस्चार्ज पोर्ट में हेग रूल है, तो भी हेग विज भी आ जाएगा। लोड पोर्ट में जो है वो हेग विज भी है, और जो डिस्चार्ज पोर्ट है उसमें कोई रूल नहीं है, तो भी हेग विज भी आएगा। जो हेग रूल आएगा सिर्फ एक केस में आएगा, इनमें कि दोनों कंट्रीज में हेग रूल्स लगे हुए हों, तब दोनों में हेग रूल्स आ जाएंगे। अदरवाइज अगर क्लॉज पैरामाउंट डाल दिया तो वहां पे हेग विस्बी रूल ही आएगा। अब उसके बाद आया कि ये प्रोटोकॉल 1979 का इसने क्या किया, क्योंकि इसके हिसाब से तो क्लेम्स भी कार्गो ओनर पे भी पड़ रहा था, तो इन्होंने कहा कि द प्रोटोकॉल ऑफ 1979 अप्लाइज टू हेग विस्बी रूल। जो प्रोटोकॉल नया आया इट विल अप्लाई ओनली टू हेग विस्बी रूल, इट विल नॉट अप्लाई टू हेग रूल्स। और इसमें कहा कि कोई भी जो है थर्ड अंडर द केस ऑफ द थर्ड पार्टी एंड फॉर द लाइव एनिमल एंड डेड कार्गो, तो इन्होंने कहा कि अगर कोई डिस्चार्जिंग के बाद कोई डैमेज होता है तो जो है शिप ओनर लायबल नहीं होगा, और अगर कोई एनिमल कार्गो है, लाइव एनिमल कार्गो है, तो उसके लिए भी शिप ओनर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। और जो कार्गो है वो डेक पे लोडेड है एक्सेप्ट फॉर द कंटेनर वेसल्स, ये लायबल नहीं होगा, कार शिप ओनर विल नॉट बी लायबल फॉर डैमेज ऑफ द कार्गो, क्योंकि जो कंटेनर है दे आर स्पेसिफाइड वेसल्स फॉर दीज थिंग्स, दे आर स्पेसिफाइड कि वो कार्गो जो है वो लोड कर लें डेक पे। फिर इसमें क्या है कि शिप ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, शिप ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है द वेसल शैल बी ऑलवेज सीवर्दी, ठीक है, मैन इक्विपमेंट शैल बी ऑलवेज देयर, फिर ऑल होल्ड और चैम्बर्स जो हैं वो प्रॉपरली क्लीन और फिट फॉर कार्गो लोडिंग हो,
फिर उसके बाद क्या है, प्रॉपर लोडिंग और केयर और हैंडलिंग होनी चाहिए ड्यूरिंग थ्रू आउट द वॉयज। फिर क्या, हाउ विल यू, अच्छा बी एल भी वही इशू करता है, हाउ ही विल इशू द बिल ऑफ लेडिंग ऑल्सो। तो द मेन पर्पज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शिप ओनर इज द वेसल इज सी वर्दी, इक्विपमेंट है, और फिर कार्गो होल्ड क्लीन हो गए, फिर उसके बाद कि प्रॉपर लोडिंग है और केयर है। सबसे पहले सी वर्दी हो गया, फिर इक्विपमेंट डाल दिए, फिर होल्ड साफ कर दिए, फिर क्रू डाल करके उसे प्रॉपर हैंडलिंग कर दी। और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शिपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शिपर क्या है कि एट द टाइम ऑफ द लोडिंग जो सारे के सारे उसका गुड्स का डिस्क्रिप्शन है वो दे दे, ठीक है। इफ अगर कार्गो डैमेज हो गया, कि इफ द कार्गो डैमेजेस गिव्स लेटर टू शिप ओनर विद इन 3 डेज ऑफ द डिस्चार्ज, बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर डिस्चार्ज। तो ये जो 3 डेज है ये हेग रूल्स का था, और ये इफ इन 1 ईयर नो केस इज फाइल्ड सो शिप ओनर इज एग्जेम्प्टेड। सो ये जो 1 साल का था ये हेग विस्बी रूल ने दिया राइट, और ये जो था वो हेग रूल्स ने दे दिया था राइट, कि भैया शिप शिपर को भी थोड़ा राइट दे दिया। और शिपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कार्गो है उसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन पहले से बता दे। और फिर आया अपना शिप ओनर की इम्यूनिटीज़ क्या है। शिप ओनर की इम्यूनिटीज़ तो पहले वो थी कि जो कार्गो है वो अगर डिस्चार्ज होने के बाद डैमेज हुआ तो शिप ओनर नहीं जानता, फिर लाइव एनिमल है तो शिप ओनर नहीं जानता, और थर्ड था कि अगर डेक कार्गो है ऑन ए नॉन स्पेसिफाइड वेसल, कि जैसे कंटेनर वेसल वहाँ पे तो स्पेसिफाइड होता है कि कार्गो कैन बी लोडेड ऑन डेक, और जो नॉन स्पेसिफाइड वेसल है तो उस केस में शिप ओनर उस कुछ नहीं जानता है। और क्या है कि अगर उसने ड्यू डिलीजेंस लिया हुआ है, कि मान लेते हैं कि द वेसल वॉज इन अ हैवी वेदर और कुछ डैमेज वैमेज हो गया, और हल डैमेज हो गया कहीं से, और जो मास्टर है उसने पूरी तरीके से अपने पूरा ट्राई किया है कि ही कैन ही ट्राइड हिज बेस्ट विद द नॉलेज एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग दैट ही कैन प्लग अप द होल एंड ही स्टार्टेड डिस्चार्जिंग वाटर एंड एनीथिंग, बट उस केस में अगर कोई कार्गो खराब हो जाता है तो शिप ओनर इज नॉट लायबल, क्योंकि द मास्टर हैज टेकन ड्यू डिलीजेंस एवरीथिंग, द शिप ओनर विल नॉट बी एनी मोर लायबल फॉर दैट। सो इसके सिवा तो हाँ, और एक केस है कि अगर जो शिपर है उसने कार्गो लोड किया है बट उसने पूरा डिक्लेयर ही नहीं किया कि क्या था क्या नहीं था, कि कार्गो के बारे में कुछ डिक्लेयर नहीं किया, उसने बस कह दिया यस यस नॉर्मल नॉर्मल कार्गो है और वो था डीजी, तो उस केस में भी जो शिप ओनर है ही विल नॉट बी लायबल। सो दिस इज ऑल अबाउट हेग स्पी। और इसके साथ साथ में कॉस्गा भी था, तो कॉस्गा का क्या था कि पर उसमें था इट इज एप्लीकेबल ओनली इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसमें ये था कि पर पैकेट या पर यूनिट जो है वो 500 डॉलर्स में 500 क्लेम था, जो कि सिर्फ यूएसए के लिए है।